हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का थर्ड लेक्चर लेकर आया हूँ। इस लेक्चर में आपको बताऊंगा कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। इससे पहले लेक्चर में मैंने लिमिट बताई थी एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट और टू टाइप से बताई थी। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको एप्साइनल और डेल्टा के अकॉर्डिंग कंटिन्यूटी बताई थी, लिमिट एंड कंटिन्यूटी में लिमिट बताई थी। तो आपको फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर अगर क्रम से लेक्चर देखेंगे तो ये मैथमेटिकल मेथड वाली बुक आराम से कंप्लीट होती चली जाएगी। क्लियर? और हाँ, मैंने जो है एलजेब्रा की भी काफ़ी वीडियो डाल रही है और वो भी साथ लेके चलूंगा। अभी से आप एलजेब्रा का लेक्चर 1 से कवर करना शुरू कर दें जो आपका पूरा सिलेबस आराम से हो जाए। तो चलिए, आज हम बता रहे हैं कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, लेकिन कब? फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल हो, ठीक है? तो चलिए, मान लीजिए लेट अस कंसीडर ए फंक्शन एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस एट ए बी इफ, इसकी क्या शर्त होगी? लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी एफ एक्स वाई इक्वल आए वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ए बी, ये दोनों बराबर आ जाते हैं, ये लिमिट ऑफ फंक्शन और ये वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं और एग्जिस्ट, इक्वल के साथ साथ क्या हो, एग्जिस्ट एंड एग्जिस्ट, तो ऐसी कंडीशन में फंक्शन ए और बी पर कंटिन्यूअस होगा। इसी डेफिनेशन को मैं एप्साइनल के अकॉर्डिंग कैसे बताता हूं वो देखिए। ये फर्स्ट डेफिनेशन और सेकेंड डेफिनेशन। ए फंक्शन एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस एट ए बी इफ एंड ओनली इफ एप्साइनल पॉजिटिव डेल इज ऑल्सो पॉजिटिव सच दैट एफ एक्स वाई माइनस एफ ए बी का मॉड इज लेस देन एप्साइनल। This implies x minus a का mod is less than del, y minus b का mod is less than del। समझ लीजिए, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है और सबसे इजी क्वेश्चन इसी पे होते हैं। जिस पॉइंटों पर निकलवाएंगे, सबसे पहले आप एफ ए बी निकालेंगे, डायरेक्ट निकाल देंगे इसकी तरह, इसका mod करें और ये लेस देन एप्साइनल होगा। a और b एक्स वाई एक्स माइनस ए का लेस देन mod और y माइनस बी का mod इज लेस देन del, ये दोनों शर्त, तब इस डेल और एप्साइनल में कोई रिलेशन आएगा और वो रिलेशन एग्जिस्ट होगा, अर्थात सिंपल होगा, ठीक है? डेल की जो वैल्यू आएगी वो एग्जिस्ट आएगी। तो हम दावे के साथ कह देंगे फिर एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस एट ए बी। तो इस पर मैं अब क्वेश्चन ले रहा हूं, अच्छी तरीका से समझ में आएंगे, बिल्कुल इजी है। इस क्वेश्चन में हम इससे भी निकालेंगे, अगर ऐसा ना हुआ तो हम पाथ चूज करेंगे, अर्थात तीन तरह से आज मैं बताऊंगा आपको कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, लगभग 5 या 6 क्वेश्चन जरूर बताऊंगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, छोटा और सिंपल क्वेश्चन लिया है। इसके अकॉर्डिंग ये कह रहा है चेक द कंटिन्यूटी, हमें चेक करना है ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पर, 1, 2 पर। एफ एक्स वाई की वैल्यू ये दे रखी है ऊपर वाली, जब x y बराबर नहीं है 1 और 2 के, और जब 1 और 2 रखूं x और y की जगह पे तो उसकी वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये है अगर मैं यहां 1, 2 रख दूं, x की जगह पे 1 y की जगह पे 2, तो उसका आंसर 0 है। क्लियर? बराबर नहीं है तो लिमिट लगाइए, लिमिट x y टेंस टू 1, 2 एफ एक्स वाई में रखिए, तो एक्स वाई टेंस टू 1, 2 एफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 4y, यहां रखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू यहां रखेंगे 2, यहां 1 + 8 अर्थात 9। हमने यहां क्या देखा, इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 9, ये दोनों अलग अलग हैं। कंटिन्यूअस कब होता, जब ये बराबर होते। तो हमने क्या देखा, हेयर बाई फर्स्ट एंड सेकेंड से लिमिट एक्स वाई टेंस टू 1, 2 रखने पर एफ एक्स वाई में
ये इक्वल नहीं आया एफ वन कॉमा टू के, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 9 है और इसकी वैल्यू 0 है। जब इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं एफ एक्स वाई इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स वाई, या यूं ही लिख दो एट 1,2 पर। तो ये छोटा क्वेश्चन दे रहा हूं। अब एक क्वेश्चन में इस पर दे रहा हूं आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स वाई दे रखा है जब एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू 0, और जब एक्स वाई इक्वल 0 तो वैल्यू 0 है। तो इसे मैं एप्साइनल और डेल के अकॉर्डिंग प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये कंटिन्यूअस कैसे है। बहुत ही इजी है। सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन लिखते हैं एफ 0 0। अगर एक्स और वाई की वैल्यू 0 0 है तो आंसर कितना आया 0। बस अब किन पॉइंटों पे निकालते हैं वो पॉइंट डेल के अकॉर्डिंग लिखते हैं, एंड एक्स माइनस 0 का मॉड इज लेस देन डेल, वाई माइनस 0 का मॉड इज लेस देन डेल। देखिए अगर यहां 5 और 3 होता तो यहां 5 लिखना होता, यहां 3 लिखना होता, क्लियर। अब क्वेश्चन क्या है, नाउ एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0 इज लेस देन एप्साइलन, ये मुझे लेके आना है, क्लियर। अभी जो लिखाया था ये, इसकी वैल्यू क्या है ये देखिए, वाई साइन 1/x प्लस एक्स साइन 1/y माइनस एफ 0 की वैल्यू 0 इज लेस देन एप्साइलन लाना है मुझे। अब ये बन गया वाई साइन 1/x प्लस एक्स साइन 1/y। इसे खोल दीजिए तो ये बड़ा हो जाएगा, वाई साइन 1/x प्लस एक्स साइन 1/y। इधर देखिए, हम ये जानते हैं साइन थीटा का मॉड इज लेस देन एंड इक्वल 1 होता है, क्लियर। तो लेस देन एंड इक्वल मॉड वाई इंटू 1 मॉड एक्स इंटू 1, ये हुआ लेस देन एंड इक्वल मॉड वाई प्लस मॉड एक्स। अब यहां देखिए मॉड एक्स ही तो है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज मॉड एक्स इज लेस देन डेल, मॉड वाई इज लेस देन डेल, क्योंकि ये एक्स माइनस 0 एक्स। तो इसकी जगह पर क्या हुआ, अब यहां लेस देन रह जाएगा केवल, क्योंकि लेस देन है ये डेल प्लस ये भी डेल, क्लियर। अब मैं इसे यहां लिखे देता हूं, ये क्वेश्चन चल रहा था एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0, ये चल रहा था। तो ये इक्वल यहां, यहां इक्वल, और ये लेस देन एंड इक्वल आ गया मॉड वाई प्लस मॉड वाई, मैंने ये लाइन लिख दी है, ठीक है। अब यहां लिख दूंगा तो ये लेस देन हो जाएगा केवल डेल या की जगह पर, और इसकी जगह पर डेल लेस देन टू डेल, टू डेल की जगह पर आप लिखेंगे एप्साइनल, लेस देन एप्साइनल। तो एप्साइनल बराबर क्या है, टू डेल, और डेल इक्वल हो गया एप्साइनल अपॉन टू। अब यहां समझिए कंटिन्यूअस है कैसे, डेल की वैल्यू ये है और ये एग्जिस्ट है, डज नॉट एग्जिस्ट कहां, इन्फिनेटी वगैरह होती तभी तो होती, इन दोनों में सिंपल रिलेशन बन गया डेल इक्वल एप्साइनल अपॉन टू, अर्थात एग्जिस्ट है। तो मैं लिखे देता हूं डेल इज एग्जिस्ट, इसीलिए एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस एट ओरिजिन, क्लियर। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया डेल पर, लेक्चर 1 अगर आप देखोगे तो एप्साइनल और डेल से ही मैंने 4 क्वेश्चन बताए हैं, और उनकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, आप देख सकते हैं पहला लेक्चर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सो दैट द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट ओरिजिन पर, सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते हैं एफ 0 0 पर कितना आंसर आया 0, फिर लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 इसमें रखते हैं एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। अगर मैं यहां लिमिट रखता हूं तो फॉर्म बन रही है 0 अपॉन 0। ऐसी कंडीशन में हमें कोई पाथ चूज करनी होगी जिससे फॉर्म 0 अपॉन 0 हट जाए। आप लिमिट लगा सकते हैं, जैसे टेकिंग द पाथ y इक्वल mx।
अब y इक्वल एम एक्स तो टोटल फंक्शन x में हो जाएगा, तो लिमिट आएगी x टेंस टू जीरो, x y की जगह पे mx रखेंगे, m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर m इंटू x अपॉन x क्यूब प्लस m क्यू x क्यूब। ऊपर से आप x क्यूब कॉमन ले लो, यहां बचा m स्क्वायर प्लस m, यहां से आप x क्यूब कॉमन लेंगे 1 प्लस m क्यूब, ये कट गए। लिमिट x टेंस टू जीरो एम स्क्वायर प्लस एम अपॉन 1 प्लस एम क्यूब। तो ये डिपेंड m पे कर रहा है, जीरो तो हुआ नहीं क्योंकि हमें x है ही नहीं। तब आप लिखेंगे विच इज डिपेंड ऑन m, विच इज डिपेंड ऑन m, ये जो फंक्शन है m पर डिपेंड है, m की डिफरेंट वैल्यू हो सकती है, इसीलिए ये डज नॉट एग्जिस्ट है। Therefore, fxy is not continuous at origin. क्लियर? क्योंकि m की डिफरेंट वैल्यू हो सकती है, इसीलिए ये डज नॉट एग्जिस्ट है, और जो फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट होता है वो कंटिन्यूस नहीं हो सकता। आइए एग्जाम्पल 4 देखते हैं। ये फंक्शन दे रखा है इसने fxy इक्वल टू अंडर रूट में xy स्क्वायर। सबसे पहले आप वैल्यू निकालेंगे, यहां 0 0 तो 0, जैसे ये निकाला है। आप लिमिट xy टेंस टू 0 रखते हैं इसमें fxy में, तो ये आया अंडर रूट xy स्क्वायर। अब आपको पाथ रखनी है, अलग चेंज करना है, तो लेट इक्वेशन ऑफ पाथ y इक्वल टू एम एक्स, तब लिमिट सिर्फ किसकी रह जाएगी, x की, इसकी तरह यहां रखिए x m स्क्वायर x स्क्वायर, तो इसमें से क्या कॉमन, m बाहर और x की पावर 3y2, लिमिट रखेंगे इंटू 0 टोटल 0। हमने यहां क्या देखा, यहां 0 रखने पर टोटल 0 हो जाएगा। लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 रखने पर इक्वल आ गया एफ 0 0 पर, यहाँ की वैल्यू भी 0, लिमिट रखने पर 0, दोनों इक्वल हैं, इसीलिए एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूस एट 0 0 पर। क्लियर? अब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन पोलर फॉर्म में लेते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बस यहां देखना है f 0 0 की वैल्यू कितनी है, 0। हम वही निकालेंगे डेल और एप्साइलन और पोलर फॉर्म लगाएंगे। क्लियर? तो यहां x माइनस 0 इज लेस देन डेल, y माइनस 0 इज लेस देन डेल, तो इसे मैं लिख सकता हूं मॉड x इज लेस देन डेल, मॉड y इज लेस देन डेल। क्लियर? जब डेल में निकाल रहे हो तो क्वेश्चन क्या होता है, एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0 इज लेस देन एप्साइनल। क्लियर? एप्साइनल और डेल क्या है, दोनों पॉजिटिव हैं। यहां लिखे देता हूं वे आर एप्साइनल पॉजिटिव, दे आर एग्जिस्ट, डेल इज आल्सो पॉजिटिव। एफ एक्स वाई की वैल्यू लगाइए आप, एक्स क्यू वाई क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू लेस देन, ये बचा एक्स क्यू वाई क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मॉड। हम जानते हैं एक्स इक्वल आर कॉस थीटा और वाई इक्वल आर साइन थीटा, और हम ये भी जानते हैं साइन थीटा का मॉड इज लेस देन 1, कॉस थीटा का मॉड इज लेस देन एंड इक्वल 1। तो चलिए इसे खोलते हैं, एक्स की जगह पर आर क्यू कॉस क्यू थीटा, आर क्यू साइन क्यू थीटा, यहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करिए तो क्या आएगा, आर स्क्वायर, तो यहां बनेगा आर स्क्वायर, आर की पावर 3 और 3 6, 2 कटा तो यहां बचा आर की पावर 4 कॉस क्यू थीटा साइन क्यू थीटा। इसे खोल दीजिए, लेस देन एंड इक्वल आर की पावर 4, यहां कॉस थीटा का क्यू इंटू मॉड साइन थीटा का क्यू, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो मैं यहां लिखे देता हूं एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0 इज लेस देन एंड इक्वल आर की पावर 4
वन और वन, क्लियर। तो लेस देन एंड इक्वल इसे ऐसे लिख सकता हूं आर फोर, और ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लियर। यहां से स्क्वायर करोगे तो फोर, इसे फिर खोल दीजिए एक्स फोर वाई फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहां इक्वल, यहां इक्वल खोलने पर ये फिर बड़ा हो जाएगा इधर को, और इसमें मॉड लगा दीजिए, मॉड एक्स फोर प्लस वाई फोर प्लस टू मॉड एक्स स्क्वायर मॉड वाई स्क्वायर। आइए अब वैल्यू रख दीजिए, यहां कितना होगा, केवल लेस देन रह जाएगा, डेल फोर प्लस डेल फोर प्लस टू डेल स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर, क्लियर। लेस देन टू डेल फोर और टू फोर डेल फोर, और ये बन गया एप्साइनल, क्लियर। अब वेयर फोर डेल फोर इक्वल टू एप्साइनल, डेल फोर इक्वल टू एप्साइनल अपॉन फोर, डेल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट एप्साइनल अपॉन टू। दिस इंप्लाइज यहां ले लेते हैं, डेल इक्वल हो गया एप्साइनल की पावर वन बाई फोर अपॉन अंडर रूट टू। अब ये देखिए इन दोनों में रिलेशन एग्जिस्ट है, डेल की वैल्यू कितनी है एप्साइनल बाई फोर अपॉन अंडर रूट टू, तो वैल्यू कैसी है, एग्जिस्ट है। तब आप लिख सकते हैं एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस एट ओरिजिन, क्लियर। इस क्वेश्चन को सेम समझने के लिए आपको लेक्चर वन जरूर देखना चाहिए, जिससे कि डेल और एप्साइनल का रिलेशन ही कंटिन्यूअस कहलाता है, इन दोनों की वैल्यू एग्जिस्ट आ जाए, सिंपल रिलेशन। ये मैंने बढ़ा दिया है, आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे, ए यहां एप्साइनल फोर इक्वल एप्साइनल वाई फोर, तो डेल इक्वल हो गया एप्साइनल वाई फोर की पावर वन बाई फोर, अब भी सही है, क्लियर।